السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مازح حاضرين إبادات كي كي أقسام هي. और इबादतें सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए जायज़ नहीं हैं इसको अल्लाह के अलावा किसी और के लिए बजा लाना अल्लाह के साथ शिरक करने के बराबर है इन्हीं इबादत में से एक इबादत वो है जो बंदा अपने आप पे फ़र्ज़ कर लेता है वाजिब कर लेता है नजर मान करके मन्नत मान करके जैसे कह दे के ला आलिया खजा व खजा यानी मैंने अपने आप पे अल्लाह के लिए नज़र मान ली है कि मैं फ़लाँ दिन रोज़े रखूँगा इतने रोज़े रखूँगा इतना सदगा ख़ैर करूँगा जब कोई बंदा कोई नज़र मान लेता है कि इन ये मुझ पर नज़र है कि मैं महीने में इतने दिन अपनी तनख्वाह का इतना हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूंगा ये मुझ पर नज़र है तो उतना खर्च करना महीने के इतने दिन रोजे रखना नेकी के काम करना उस पर वाजिब हो जाता है उस पर फर्ज हो जाता है जो उसने अपने आप पे फ़र्ज किया है अल्लाह ने उस पर फ़र्ज नहीं किया था तो ये इबादत है सिर्फ़ अल्लाह के लिए की जाती है अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नजर और मन्नत नहीं मानी जाती और यहां पर यह भी समझना चाहिए बुखारी मुस्लिम की हदीस है नबी करीम सलात ने फरमाया لا من القدر شيئا कि लोगों नजर मत माना करो क्योंकि नजर ऐसा नहीं है कि उससे तकदीरें बदल जाती हैं एक और हदीस में नबी करीम हसरत वसलाम के अल्फाज हैं ला तिन नजर आदमि इन लम उकदर आलही के नजर किसी बंदे को वो दे दे जो मैंने उसकी तकदीर में न रखा हो ऐसे होता नहीं है वह इन नमायस्तरज वही मिनल्बील होता यह है कि बकील से वो नेकी के काम निकाले जाते हैं जो अपने बखल की वजह से कर नहीं पा रहा होता है जैसे कोई नफिल रोज़ा नहीं रखता कोई सदका खैरत नहीं कर रहा है तो नज़र के जरिए अल्लाह ताला उससे रोजा रखवाता है सदक व करवाता है और नजर दो किस्म की होती हैं पहली यह है कि मुतलक। आप ऐसे ही नज़र मान लें कि इन शह माहाना मैं तीन रोज़े रखूंगा मुझ पर नजर है ये मेरी नजर है कि मैं माहाना तीन रोजे रखूँगा नजरम यानी बस ऐसे ही बग़ैर किसी सबब के बग़ैर किसी बदले के बगैर किसी इवज के ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये अच्छी बात है कि बंदा अल्लाह की खातिर कोई चीज़ की पाबंदी का तहिया कर ले नेकी है इबादत है तात है अल्लाह से करीब होने का एक जरिया है और इन्हीं लोगों की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ने फरमाया यूफू नबिन नजर के नेक लोग ऐसे हैं जो अपनी नज़र को पूरा करते हैं नजर करते हैं तो उस पर जमे रहते हैं और नजर की दूसरी किस्म नजर मुकाबला जैसे कोई कहे कि अगर मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं तो मैं इतना पैसा सदक़ा कर दूंगा अगर मेरे फलाँ को शहत नसीब हो जाए तो मैं इतने रोज़े रख लूँगा यानी ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई बंदा मुकाबले मेंवज़ के बदले में अल्लाह से नजर मानता है ये नजर मकरू है इसमें एक किस्म का मुशारता है गोया अल्लाह से एक किस्म की डील की जा रही है कि अये अल्लाह अगर तूने ये काम किया तो मैं तेरे लिए इबादत करूँगा इसका जो एसेंस है या इसकी इसका जो तर्ज है यह कोई अच्छा तर्ज नहीं है लेकिन जब कोई बंदा ऐसी नजर मान ले तो उस नजर को पूरा करना भी उस पर वाजिब है उस नजर को पूरा करना भी उस पर वाजिब है बशरते नजर वो अल्लाह की इतात में हो अल्लाह की फरमा बरदारी में हो किसी इबादत में हो जैसे नबी करीम सलासलाम तो ने हादीस में साफ तौर पर कहा कि जिस किसी की नजर अल्लाह की इतात में हो फल वो उसको पूरा करे उसकी इतात कर ले तो हाजरीन नजर जब मान ले किसी बात की तो गोया बंदे ने अपने आप पर वो चीज फर्ज कर ली है जिसको अदा करना उस पर वाजिब है वरना वो एक के पे उसके जिम्मे बाकी रह जाता है जिसका उसे सवाल भी होगा और अगर कोई आदमी नजर मान ले, लेकिन नजर अल्लाह की नाफरमानी की माने नौजबिल्लाह किसी गलत बात की नजर मान ले जैसे कहे कि अगर मेरा काम हो जाए तो नौजुबिल्लाह में जाकर के इतने लोगों को नौजबिल्ला शराब पिलाऊंगा इतने लोगों को मैं कोई ऐसी चीज मुहैया करूंगा जिसमें उनके गुनाह के लिए सहूलत हो जाए यानी ऐसी कोई नजर हो जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो तो ऐसी नजरें पूरी नहीं की जाती वी अल्लाह फला यासी अल्लाह के नी फरमाते अगर कोई नजर ऐसी मान ले कि अल्लाह की नाफरमानी करना चाहता है तो वह कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करे और मोजरीन अगर बंदा कोई नजर मान ले उसको पूरा ना करे कफारत हो गफारतुलयमीन उसे उसका कफारा देना पड़ेगा और कफारा ये है कि वो कसम के तोड़ने का कफारा दे दे और कसम के तोड़ने का कफारा ये है कि वो दस मिसकिनों को खाना खिलाए या दस मिसकिनों को कपड़ा पहनाए या फिर वो ऐसे करे कि एक गुलाम को आज़ाद करे और अगर इन तीनों की ताकत ना हो फया मु तीन दिन के उसे रोज़े रखने चाहिए तीन दिन के उसे रोजे रखने चाहिए तो मजा नजर के ताल्लुक से ये कुछ मुख्तर मालूम थी जो मैंने आपके सामने रखना चाहिए। याद रखें नजर से कोई तकदीर बदलती नहीं है नज़र बख़ीर लोगों से नेकियों के निकलवाने का एक जरिया है और नज़र जब मान लें तो गोया आपने अपने ऊपर वो चीज वाजिब कर लिए जिसका अदा करना जरूरी है बशरते कि वह अल्लाह की इतात हो अल्लाह की फर्मा बरदारी हो अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह का नेक बंदा बने रहने की तौफीक नसीब फरमाए आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन व सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू